अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं इस वक्त सिवान की प्रमुख खबरें बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर फटाफट अंदाज में। सिवान में विभिन्न चौक चौराहों पर सदर एसडीपीओ फिरोज आलम के नेतृत्व में दो पहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसको लेकर शहर के जेपी चौक, तरवारा मोड़, बबुलिया रोड, स्टेशन रोड पर बिना हेलमेट पहने बाइक सवार लोगों को रोककर हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान एसडीपीओ फिरोज आलम ने बताया कि कुछ वर्ष पहले हमारे साथ ही बाइक से दुर्घटना हुई थी, अगर उस समय हमने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मेरी जान चली जाती। इसको लेकर मैंने ये संकल्प लिया है कि हेलमेट जांच अभियान के तहत किसी प्रकार की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की जान बच जाती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि एक सप्ताह के अंदर सिवान वासियों को हेलमेट पहना दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि आपका कोई आपके घर पर इंतजार कर रहा है, इसलिए सुरक्षित ड्राइव करें और बिना हेलमेट पहने घर से नहीं निकले। सिवान में आए दिन बाइक चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। एक बार फिर बाइक चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। युवक पर बाइक चोरी करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक को लोगों ने पकड़कर नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के समीप का है। बताया जा रहा है कि एक युवक चाय दुकान पर अपनी बाइक खड़ा कर चाय पी रहा था, इसी दौरान उसके बाइक को चोरी करते लोगों ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने चली गई। सिवान के लाल ने कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी की परीक्षा में देश स्तर पर 16वीं रैंक लाकर सिवान का नाम रोशन किया है। सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित बनपुरा गांव निवासी सिंहासन सिंह के पुत्र शिशिर कुमार सिंह ने वाराणसी सदर में एसडीएम रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा में 16वीं रैंक लाया है। शिशिर कुमार सिंह मूल रूप से सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित बनपुरा गांव के निवासी हैं, लेकिन ये अपने परिवार के साथ बलिया में रहने लगे। इसी क्रम में शिशिर ने 2020 में यूपीएससी में सफलता पाई और शिशिर सिंह एसडीएम के तौर पर वाराणसी सदर में तैनात है। वहीं यूपीएससी सिविल परीक्षा 2022 में मिली यह सफलता उनके चौथे प्रयास का परिणाम है। यूपीएससी की परीक्षा में शिशिर कुमार सिंह की इस कामयाबी से उनके गांव में जश्न का माहौल है। वहीं उनके माता पिता भी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। बनवारी निवासी उनके पड़ोसी विनय शंकर श्रीवास्तव ने बताया है कि वो शुरू से पढ़ने लिखने में तेज थे। शिशिर की प्रारंभिक शिक्षा सिवान और बलिया से हुई है। शिशिर ने IIM यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद बेंगलोर में नौकरी करनी शुरू कर दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड से इंजीनियरिंग में स्नातक शिशिर को फोटोग्राफी को लेकर तमाम शौक हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में सिवान जिला क्रिकेट संघ द्वारा राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित वेस्टर्न जोन के श्यामल सिन्हा अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में पांचवा मैच सिवान और पूर्वी चंपारण के बीच खेला गया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई पूर्वी चंपारण की टीम ने निर्धारित 35 ओवर के मैच में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पूर्वी चंपारण की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक ने 39, अंशुराज ने 20 रन, सिवान की ओर से रेयान ने 3 विकेट लिए। वहीं अनिमेश, अशद और यश को क्रमशः एक एक विकेट मिला। 4 बल्लेबाज पूर्वी चंपारण के रन आउट हुए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिवान की टीम ने 31 ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बनाकर 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। बल्लेबाजी में विशाल ने 64, अनिश ने 37 रन बनाए। पूर्वी चंपारण की ओर से गेंदबाजी में मणिकांत ने 2 विकेट लिया। तुषार, अभिषेक और साहिल ने एक एक विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच सिवान के विशाल कुमार को दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका बीसीए पैनल के राजेश यादव और सोनू खान ने निभाई। वहीं स्कोरर आरिफ रिजवान व नीलेश थे।
बिहार के सिवान में इंडियन कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोगों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी, इसके बाद उसे रेस्क्यू कर टीम ले गई। दरअसल पूरा मामला सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के गभीरार गांव का है, जहां उक्त गांव के रहने वाले रामदेव यादव के घर से इंडियन कोबरा निकला। गनीमत रही कि समय रहते उसे रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो वो कई लोगों को काट सकता था। वह रेस्क्यू करने के दौरान रेस्क्यू टीम के भी पसीने छूट गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे टीम रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर चली गई। दरअसल रामदेव यादव के घर में लकड़ियां रखी गई थी, उसी लकड़ी के तह में कोबरा छिपा हुआ था। घर वालों को उस समय सांप होने की जानकारी लगी, जब सांप फुफकार रहा था। आवाज सुनकर पहले तो घर वालों को लगा कि घर के बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, वही आवाज निकालकर मजाक कर रहे होंगे। हालांकि जब लकड़ी के पास घर वाले गए तो सांप को फुफकारते हुए चूहों को पकड़ता देखा। सांप को देखते ही घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और वो चिल्लाते हुए घर से बाहर भागे। देखते ही देखते गांव वाले जुट गए, जिसके बाद उन्होंने रेस्क्यू टीम को सूचना दी और बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा जा सका। सिवान में नास इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज तथा नास फाउंडेशन का संयुक्त रूप से स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम किए गए, जो मुख्य रूप से संस्था प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज उर्फ डॉक्टर नास मिस्टर इंडिया 2022 के जन्म दिवस के मौके पर केक काटा गया और साथ ही डॉक्टर नास को सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं ने बधाई दी। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, सिवान सांसद कविता सिंह के निजी सचिव अरविंद आनंद एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर नाज ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2023, चिकित्सा गौरव सम्मान 2023, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जैसे अनेकों सम्मान से अनेकों छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनेकों लोग उपस्थित रहे। बता दें कि संस्था और संस्था प्रमुख दोनों का स्थापना दिवस यानी संस्था प्रमुख का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मौके पर डॉक्टर लोकनाथ सिंह, डॉक्टर फैयाज अहमद, श्री मधुकर अमरनाथ, डॉक्टर मनीष कुमार पांडे, डॉक्टर स्नेहा दुबे, डॉक्टर इशरत जहां नाज सचिव, शाहिद अब्दुल्ला, डॉक्टर संदीप कुमार यादव, श्री अकील अहमद मिसबाही, श्री विजय कुमार यादव, विजय कुमार सिंह, शब्बर इमाम इमाम, डॉक्टर रहनुमा प्रवीण आदि सैकड़ों लोग और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिनको प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया।